मैं दीपेश अग्रवाल और मेरी फर्म का नाम शिव शक्ति बुक सेंटर से बोल रहा हूँ मैं। और खजूरी बाज़ार जो कि यहाँ का काफ़ी व्यस्त और काफ़ी जाना माना इलाका है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा और प्लस सभी के लिए सजेशन देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूरे एमपी में क्या, बल्कि हिंदुस्तान में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ट्रैफिक फैसिलिटी बराबर नहीं है, तो ट्रैफिक को सही बनाने के लिए जैसे मैंने कुछ सिटीज़ विजिट की हुई है, ट्रैफिक जो है मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ पर अगर वन वे किया जाए तो उससे काफ़ी कुछ सिस्टमेटिक किया जा सकता है। और उसके साथ साथ उसी को सिस्टमेटिक बनाने के लिए साथ में पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो कि सब नियम रूल्स बनने के बावजूद भी फैसिलिटी एकदम प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण पब्लिक को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और लोग इधर उधर पार्किंग करते हैं। और सेकंड पॉइंट, अगर उसके लिए साथ में पब्लिक को अवेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग जानकारी में नहीं है कि क्यों ऐसा करने से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमने कई सिटीज़ में देखा, जैसे मुंबई वगैरह कई सिटीज़ मैंने विजिट किए, तो वहाँ पर देखा लोग जानते हैं कि अगर वो कुछ गलत करते हैं या रूल तोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को भुगतना पड़ सकती है, कल वो भी उसी जगह पर हो सकती है, तो लोगों को अवेयर बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और है कि यहाँ पे क्लीनलीनेस, स्मार्ट सिटी के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी में क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लीनलीनेस सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी या कोई बड़े लीडर आके इसको क्लीन नहीं कर सकते, लोगों को एक छोटे लेवल पर भी हर व्यक्ति को ये जानना होगा कि सफाई रखने से हमारे, जैसे हम अपने घर में सफाई रखते हैं, हमारे रूम में सफाई रखते हैं, हमारे बिस्तर पर सफाई रखते हैं, वैसे हमारी सिटी को भी अगर हमको स्मार्ट बनाना तो हमको उसी तरह सफाई रखना पड़ेगी, तभी लोगों को जानकारी दी जाएगी। और उसके लिए प्रॉपर लोगों को गाइड करने के लिए लोग, पर्टिकुलर अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें या उसकी बात करें, तो लोग प्रॉपर डिस्टेंसेस पे खड़े होना चाहिए। जब तक लोग जानकारी नहीं हो जाते, जैसे हमने देखा है कि हम पब्स या डिस्क के बाहर बाउंसर्स खड़े होते हैं, इस तरह के कोई पावरफुल लोग अगर हर जगह खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि जैसे पुलिस वाले लोग खड़े रहते हैं सिग्नल्स पे तो लोग उनको फॉलो करते हैं, सिग्नल्स फॉलो करते हैं, वैसे अगर पावरफुल लोग हर जगह खड़े होंगे तो लोग उनकी बातों को समझेंगे भी और उनको नेग्लेक्ट करने की बजाय उसको अंडरस्टैंड करके और उसको फॉलो करेंगे। एंड पब्लिक टॉयलेट जो फैसिलिटी है, जैसे कि हिंदुस्तान में हमने सबसे बड़ी कई एडवर्टीजमेंट भी देखे हैं जिसको आमिर खान ने किसी ने प्रमोट किया है, कि पब्लिक टॉयलेट वाली जो चीज़ है हमने देखी है, लोग कहीं पे भी कहीं भी कुछ भी गलत तरह से यूज़ करते हैं, उसके लिए लोगों की गलती नहीं है, उसके लिए हर जगह प्रॉपर पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटी, हर थोड़े डिस्टेंस पे, जैसे हम एटीएम की फैसिलिटी दे रहे हैं तो क्या इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं दिए जाएंगे, जो कि एक नेचुरल कॉज है, तो उसके लिए अगर फैसिलिटी देंगे तो मुझे लगता है जैसे एटीएम से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, इससे लोगों को काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा और बहुत बहुत कुछ आप गंदगी को हटाने में हेल्प कर सकते हैं। और बस यही कुछ है जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेरी तरफ से सजेशंस है, और बाकी तो फिर जितना सजेशन दिए जाएँ सब कम है, और मुझे सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा, और मेरी तरफ से अगर कोई सपोर्ट चाहिए पर्टिकुलर इस इलाके के लिए या किसी भी एरिया के लिए तो मैं देने को तैयार हूँ, अपनी अपने क्षेत्र को, अपनी सिटी को, और अगर देश के लिए भी कुछ करना पड़े तो मैं तैयार हूँ।